हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग कंप्लीट रेट एनालिसिस का पार्ट में हैं, जो ऑलरेडी हम लोग डेफिनेशन सीख चुके हैं। उसके बाद में हम लोगों का डिराइव द रेट एनालिसिस, रेट एनालिसिस को कैसे कैलकुलेशन करते हैं, उसको कैसे डेरिवेशन करते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक्सप्लेन हाउ यू डिराइव द रेट एनालिसिस। इसमें हम लोग कॉस्ट ऑफ द मटेरियल्स, कॉस्ट ऑफ द लेबर्स, कॉस्ट ऑफ द TNP, कॉस्ट ऑफ द वाटर सप्लाई चार्जेस, कॉन्ट्रैक्ट्स प्रॉफिट हिसाब से हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ द मटेरियल्स क्या है? इट इंक्लूड्स ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन, GST एंड अदर्स चार्जेस एक्सेट्रा। जो भी कॉस्ट होता है वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इंक्लूड करता है, GST भी इंक्लूड करता है, जो भी अदर चार्जेस होता है एक्स्ट्रा मिसेलेनियस चार्जेस है वो भी इंक्लूड करता है। तो कॉस्ट ऑफ द मटेरियल्स इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल इनटू रेट ऑफ द मटेरियल, सो इट्स कॉल्ड कॉस्ट ऑफ द मटेरियल। ओके, नेक्स्ट वन इज कंप्लीट। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ द लेबर्स। तो कॉस्ट ऑफ द लेबर्स क्या है? कॉस्ट ऑफ द लेबर्स इक्वल टू नंबर ऑफ द लेबर्स इनटू वेजेस पर डे, लोगों का पेमेंट। तो पेमेंट का हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मेसन को कितना चाहिए, एडमिशन को कितना है, उसके हिसाब से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आई होप सेकेंड वन आल्सो अंडरस्टैंड। कॉस्ट ऑफ द TNP मतलब क्या है? लमसम अमाउंट ऑफ द, डिपेंडिंग अपन द नेचर ऑफ द वर्क इज एज TNP। जो भी लमसम अमाउंट होता है तो हम लोग TNP में कंसिडर करेंगे, तो हम लोग TNP बोल सकते हैं। तो लमसम अमाउंट ऑफ, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वर्क इज टेकन एज TNP, ये हमारा लमसम अमाउंट। तो हम लोग 3% या 1% इसका हिसाब से हम लोग डेरिवेशन करेंगे। उसके बाद में आता है कॉस्ट ऑफ द वाटर सप्लाई चार्जेस। तो कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई चार्जेस 1.2% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल एंड लेबर इज फॉर वाटर सप्लाई। तो जब भी हम लोग कॉस्ट ऑफ द वाटर सप्लाई चार्जेस ऐड करते हैं, वाटरमैन चाहिए, वाटर सप्लाई के लिए वाटर पर्सन चाहिए होता है, उसके हिसाब से हम लोग कॉस्ट ऑफ द वाटर सप्लाई चार्जेस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में आता है कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट। TNP इज 10% कॉस्ट ऑफ द मटेरियल एंड लेबर इज टेकन एज कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट। तो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट हम लोग डायरेक्टली 10% ले, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। एक्सेल शीट हम लोग डायरेक्टली बना के आप लोगों को दिखाऊंगा, इसमें आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो नाउ द टोटल कॉस्ट ABCDE। टोटल कॉस्ट हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए ABCD। उसके बाद में रेट ऑफ यूनिट ऑफ वर्क इक्वल टू, उसके बाद में रेट ऑफ यूनिट ऑफ वर्क माइनस टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ, इसके हिसाब से हम लोग क्वांटिटी ऑफ द वर्क कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो इसका एक कंप्लीट डेरिवेशन होता है। तो रेट एनालिसिस का कैसे डेरिवेशन करते हैं वो सब हम लोग सीख चुके हैं, तो हम लोग डायरेक्टली एक्सेल शीट में अप्लाई करने जा रहे हैं। अप्लाई करेंगे डायरेक्टली एक्सेल शीट में। थैंक यू, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो।